प्रबल वर्षा उपकूल बेहाल खोर्धा पुरी जगत सिंहपुर सर्वाधिक वर्षा आज पश्चिम ओडिशा रे प्रबल बर्ष लघुचाप प्रभाव में रविवार दिन तमाम उपकूल ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा लगि रही। पुरी खोर्धा जगत सिंहपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होता बेले जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। राजधानी भुवनेश्वर समेत विभिन्न अंचल रास्ता गुड़िक पानी बुड़ी बन्या भली परिस्थिति सृष्टि करिछि। सोमवार सकाळ पर्यंत एभली परिस्थिति लागि रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआ जायछि। या सहित आसंता काली पश्चिम ओडिशा रे मध्य प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एनेइ स्वतंत्र रिलीफ कमिशनरक पक्षरु जिल्लापाल मानंकु सतर्क रहिबा लागि कुआ जायछि। 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोलिबा सहित परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाकु परामर्श दिया जायछि। सोमवार सकाळ पर्यंत उपकूल ओडिशा रे घंटा प्रति 40 रु 50 किम बेगरे पवन बहिबाकु थिबारु समस्त बंदर रे 3 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। आसंता 14 तारीख पर्यंत समुद्र भितरकु न जिबाकु मत्स्यजीवी मानकु परामर्श दिया जायछि। रविवार पुरी रे सर्वाधिक 145 मिलीमीटर वर्षा होइतिया बेले भुवनेश्वर रे 122 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। मध्यरात्रि पर्यंत वर्षा लागि रहितवारु सोमवार 50 वर्षर रेकर्ड भांगिबो बोली कुआ जाउछि। पाणीपाग केन्द्रर आकलन अनुजाई रविवार सोमवार राति सारा वर्षा लागि रहिले सेप्टेम्बर मासरे सर्वकालीन रेकर्ड हेबो। कारण भुवनेश्वर रे 1958 सेप्टेम्बर 9 163 मिलीमीटर वर्षा होता। से 2014 सेप्टेम्बर पहले 116 एवं 2019 सेप्टेम्बर 126 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायतिला। अन्य पक्षरे लगाण वर्षा चकु महानदी देवी कुशभद्रा बैतरणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या आदि नदीर जलस्तर धीरे धीरे बढ़िवारे लगी। संध्या 6 सुधा उक्त समस्त नदीर जलस्तर बढ़िवारे लगी। आगामी 24 घंटा मध्य पश्चिम ओडिशा तथा महानदी उपर मुंडे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रही। महानदी समेत विभिन्न नदीर जलस्तर आहरी बढ़िया नहीं अनुमान करणिपाग केन्द्र सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में सृष्टि लघुचाप एबे अवपातर परिणत होईची। राति 10 सुधा या चांदबाली ठारु पूर्व दक्षिण पूर्वर 80 किमी पारादीपर पूर्वर 70 किमी एवं बालेश्वर 140 किमी दूर रे केंद्रीभूत होईची। सोमवार सकाळ सुधा या ओडिशा उपकूल तथा चांदबाली निकट रे उपकूल स्पर्श करिवो। धीरे धीरे एहा उत्तर ओडिशा दे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश आड़ को जीवानी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर नरेंद्र महांति घर कौन है कितने बिल नष्ट हो गया वर्षा सब एक बिल बहुत नष्ट पानी पुड़ी तीन दिन है जल पुड़ी जाए पूरा सब धान सब पचला पानी रही कौन असुविधा हम धान पचीज गच कत जोर वर्षा कल रात रात प्रबल रात सारा वर्षा हो तो पुणी आहरी दु दिन वर्षा हाँ लघुचाप हम जन धान सब गला मिल धान कमी हम पचीग रही पानी निष्कासन होगा निष्कासन नहीं पारे ना दल फल बुझे एसआरसी पक्षर कह 14 तारीख सका पर्यंत विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा लगि रहिबो। 13 तारीख सका 8:30 सुधा पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल और नयागढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल एवं स्थाने स्थाने अतिरु अति प्रबल अर्थात 200 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा होपे। यही समय मध्य अन्य उपकूल और आभ्यंतरीण जिले में प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। परवर्ती 24 घंटा मध्य संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सोनपुर बरगढ़ जिले में अतिरु अति प्रबल वर्षा होबा नहीं आकलन करोपाई उक्त जिलागुड़ी रेड वार्निंग जारी करा एथसहित बलांगीर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बौद्ध केन्दुझर ढेंकानाल और कटक जिले में प्रबल वर्षा होब तेणु स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिबा सह आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने को समस्त जिलार जिलापाल मानंकु परामर्श दिए जाइछि। संभाव्य बड़ वर्षा जोगु सहर तली अंचल जलबंदी समस्या सृष्टि होई परे। पहाड़िया अंचल रे माटी धसिबा रास्ता धोइजिबा माटी घर भांगिबा परी समस्या उपजि परे। तेणु जिलागुड़िक 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोलिबा सह वर्षार स्थिति उपरे नजर रखिबा को वीडियो तहसीलदार मानंकु निर्देश देबा को जिलापाल मानंकु परामर्श दिए जाइछि। 13 तारीख पर्यंत उत्तर ओडिशा समेत खोर्धा पुरी गंजाम नयागढ़ रे 30 रु 40 किमी एवं स्थल विशेष रे 50 किमी बेगरे पवन हेबाकु थिबारु सतर्कता अवलंबन करने को साधारण लोकंकु कुआ जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।